नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हम लोग जा रहे हैं एक हार्वेस्टर का रेस्क्यू करने। एक कंबाइन जो है गेहूं काटने में लगा हुआ था, वो किसी कारण से पलट गया है, तो उसका रेस्क्यू करने जा रहे हैं। दो हाइड्रा जो है निकल गई हैं विदिशा से। सुबह सुबह हम जल्दी निकले थे और 50 किलोमीटर दूर आए हैं शहर से और बस पहुँच गए हैं स्पॉट पर। तो जाके आपको स्थिति बताते हैं क्या स्थिति है। तो ये जो गांव है नौरजा, NORJA नौरजा, और ऐसा ही एक नाम सुन रखा है बैठ जा बताऊँ, तो वैसा ही है नौरजा। नौरजा मतलब झुक जाते हैं ना अपन, बैठ जाते हैं नीचे बैठते हैं उखरू, उस चीज़ को बोलते हैं नौरजा। तो ये गांव है नौरजा जहाँ पे बना है रेस्क्यू करने। वो हार्वेस्टर कितना है, वो और बता रहे हैं और आगे है गांव। तो आ गए हैं हम लोग, तो अभी जा रहे हैं फिर से और आगे। दोनों की दोनों मशीनें आ चुकी हैं और टारगेट है वहाँ पे कहीं बहुत दूर। भाई साहब, हम टाटा सुमो लेके आ गए हैं और रास्ता इतना ख़तरनाक है ना, मैं बताऊं। ये देखो घाटी देखो यार, और सामने देखो सुमो। अब देखो उतरेगी और फिर ये चढ़ेगी, और ऐसी किसी घाटी में जो है हार्वेस्टर जो है फंसा हुआ है, ऐसी झोरे में रिवर्स करने में वो पलट गया है। घाटी देखो यार कितनी ख़तरनाक है। आन दो धीरे धीरे, चढ़ाई भी ऐसी है भैया खतरनाक वाली। ये देखो खतरनाक रास्ता, चलो खबर फैल गई होगी। चलेंगे भाई, यहाँ से अपन आगे से देखे घाटी है। भाई साहब देख लो टाटा सुमो की पावर, खेत में चल रहे हैं, इधर कटे हुए खेतों में से गाड़ी जा रही है ना। ये देखो इनके खेत में से जा रहे हैं हम, और वहां जाना है हमको उस तरफ। डेंजर है, गाड़ी भाई साहब रास्ता देख लो यार, रास्ता क्या है, खेत हैं और पूरे ये क्या क्या है भाई, कचरे कचरा है और खेतों में से निकल के ये गाड़ी हम ले आए हैं यहाँ तक, और ये वाला जो खेत है ना, इस खेत के उस पार तक जाना है बस। और हम अब मान लो यही लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जो है खेतों में से चला के लेके आए हैं इस गाड़ी को। यार दम है भाई साहब, बोलेरो की बस की नहीं है, ऐसी जगहों पर से हम इस गाड़ी को लेके यहाँ तक आ गए हैं। और भयंकर अब देखो ऐसी रास्ते हैं, इनमें से चढ़ा के और ऐसे खेतों में से गाड़ी को दौड़ाते हुए हम ले आए हैं यहाँ तक। और जो हार्वेस्टर है वो आगे कहीं इधर ये जो झोरो टाइप को दिख रहा है ना, इसी में, और हाइड्रा आ रहे हैं डायरेक्ट, सीधे हो गए थे वहाँ से,
हमको थोड़ा सा सड़क मार्ग मिल गया था, इसीलिए हम थोड़ा आगे की तरफ से आए और वो वहीं से डायरेक्ट आ गए। अभी देखते हैं अपन क्या स्थिति है। और इस जगह पर रास्ते भाई साहब देखो तो कैसे हैं यार, तो ये आ गए फाइनली। अरे यार ये तो पूरी औंधी हो गई है तो भैया क्रेन आ चुकी है अपनी और धाकड़ क्रेन सर्विस, ये मोबाइल नंबर है, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। विदिशा के आसपास, गंज बासौदा के आसपास जो भी काम हो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये रही गाड़ियाँ, एक पीछे है और एक ये है, और इतना खेत काट दिया है। और ये जो गाड़ी है ये रात के समय काम कर रही थी और यहाँ से स्लिप हो गई है और इसको अपने को निकालना है, अभी का ये काम है अपना। और गाड़ी में नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत ही हुआ है, माइनर सा बैंड वगैरह हुए हैं और उसको निकालेंगे। ये दूसरी गाड़ी, जगह कमी है थोड़ी सी तो गेहूँ कटवा दिया है यहाँ पे मशीनें खड़ी होने के लिए।
बड़ी आसानी से। तो फाइनली मशीन हो गई सीधी, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, बहुत ही आसानी से काम हो गया। तो मलकित की ये गाड़ी है और हल्का सा नुकसान आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरफ से, ये वाले में ये हल्का सा बैंड हो गया है। और इसके बाद अगर अपन आए तो छत बैंड हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा टैंक में हुआ है और उस तरफ से ये इंजन के उस तरफ गया था, बाकी बॉडी में और कोई बैंड नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं दिख रहा है। मलकित 997 है ये, इस जगह पे आके गिरा था ये। मधुमक्खी यार, इस तरफ से हल्का सा इंजन पे बैंड हुआ है बस, और टैंक भरा हुआ था तो गेहूं भी फैल गया है, मामूली सा नुकसान है बस यहीं पे हो। तो गाड़ी तो बाहर निकाल दी है, अभी गाड़ी को सीधा करना है, थोड़ा क्या किनार पे खड़ी हुई है तो रिपेयरिंग वगैरह में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको बाहर कर रहे हैं और घुमा के खड़ी करनी है, तो उसी के लिए सीलिंग लगाई है, खींच के थोड़ा ऊपर लेके आएंगे। भैया क्रेन संबंधी किसी भी कार्य के लिए आप संपर्क कर सकते हैं धाकड़ क्रेन सर्विस, ये रही संपर्क डिटेल, इन्हें फ़ोन करें। तो भैया फाइनली हमने हार्वेस्टर को सही सलामत उठा दिया है बिना किसी नुकसान के, और ये ऊंचे नीचे रास्तों पे सोते हुए वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और फिर निकलेंगे विदिशा वापस। और रात के समय हुआ ही जो कुछ भी हुआ, भाई साहब को दिखी नहीं घाटी और हार्वेस्टर जो है सरक गया, अच्छा हुआ वो तो धनी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और किसी को चोट भी नहीं लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो फेसबुक पे भी आ रही है फॉलो कर लो हमारे फेसबुक पेज विनोद श्री किसान मित्र को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और देखो ऐसे हैं कुछ हाल, ऊंचे नीचे खेत हैं और जोरे लगे हुए हैं बगल बगल से, सामने खड़ी है गाड़ी।